बहुत अलग हटके है, लाइक जैसे कश्मीर फाइल्स कैसे थी दिल दहलाने वाली, ये उससे दो कदम आगे है। नक्सल्स एक बहुत बड़ा टॉपिक है हमारे देश का, बट उसको किस तरह से दिखाया गया है, नक्सलिज्म को टेररिज्म जैसा दिखाया गया, विच आई डिडंट लाइक एट ऑल। ऐसा लगता है हम लोग पिक्चर नहीं देख रहे, ये रियल में हो रहा है। एज अ फिल्म इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि तीन चार पॉइंट ऑफ व्यूज रखे जा रहे हैं, एक जगह कोर्ट केस चालू है, एक जगह एनजीओज और ह्यूमन राइट्स वाले इसके इस प्रॉब्लम के बारे में बोल रहे हैं, एट द सेम टाइम रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है। लोग देखो हार्ड हिटिंग डॉक्यूमेंट्रीज को पसंद करते हैं, जब भी कोई ऐसा यू नो डिस्टर्बिंग या कुछ भी टॉपिक निकलता है हम उसको बहुत रुचि लेके देखते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप बस्तर को देखेंगे तो आपको शायद उसमें रुचि आएगी। तो दोनों तरफ का दिखाना चाहिए था, व्हाट एक्चुअली गेट्स देम टू दिस बीस्टियल काइंड ऑफ माइंडसेट, वो दिखाया नहीं गया। काफ़ी ज़्यादा उसमें सीन्स हैं जो आप देख भी नहीं सकते, तो ऐसी चीज़ें हैं। नक्सलवाद को जो खत्म करने का दिखाया वो बढ़िया, अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन इसमें तो एक्सट्रीम में दिखाया आतंक, यानी आदमी को मारने के बाद उसको टुकड़े टुकड़े कट के इंजॉय करते हैं वो लोग, ये जानवर भी नहीं करते, मतलब जानवर से भी बदतर लोग हैं एक्चुअली। नहीं अच्छी थी फिल्म, अच्छी है। आप बता सकते हैं फिल्म के अंदर क्या है, नक्सलवाद है? हाँ नक्सलवाद वो जो खत्म करने का दिखाया वो बढ़िया, अच्छा, बहुत अच्छा, रियल ऐसा। अखबारों में हर जगह न्यूज आती है नक्सलवाद के ऊपर, हमारे जवानों को हमारे डेवलपमेंट के ऊपर जो कोई भी काम होता है उसमें रुकावट आती है, ये सब के अंदर दिखाया गया है? हाँ पूरा फिल्म के अंदर एकदम रियल दिखाया, ऐसा लगता है रियल है, सही है। फिल्म देखने में आप क्या समझ रहे हैं, क्या लोग समझेंगे जब लोग देखेंगे? तो नहीं, लोग देखेंगे तो उनको समझ में आएगा कि 50 साल पहले क्या था और आज क्या है, इसके पहले नक्सलवाद ये माओवादी ये सब जो दिखाया गया वो रियल सीन दिखाया जो हम लोग ने नहीं देखा। जी पाँच मार्क जी, जी। बस्ते में ये सबसे बहुत ही ज़्यादा लॉपसाइडेड फिल्म है। आई मीन टॉक अबाउट नक्सलाइट्स, यू टॉक अबाउट नक्सलवाद, तुमको दोनों तरफ का दिखाना चाहिए था, व्हाट एक्चुअली गेट्स देम टू दिस बीस्टियल काइंड ऑफ माइंडसेट, व्हाई डू दे हैव दिस माइंडसेट, व्हाई डू दे डोंट वांट टू यू नो कोलैबोरेट विद एनीथिंग दैट इज गवर्नमेंट और एनीथिंग दैट इज बैक बाय द गवर्नमेंट फॉर दैट मैटर, व्हाट इज द माइंडसेट, वो दिखाया नहीं गया। इट वॉज कम्प्लीटली द नक्सलाइट्स आर ब्लैक एंड एवरीथिंग एल्स इज वाइट एंड सड, और स्क्रीन पे ही बहुत ज़्यादा मुझे खपचा खपचा सा लगा। मतलब अगर फॉर इंस्टेंस अगर लड़का जो अचानक से नक्सलवादियों के कैंप में जाके भर्ती हो जाता है, शामिल हो जाता है, इसके बावजूद कि उसके पिताजी को मतलब दैट स्क्रीन प्ले इज नॉट कन्विंसिंग इनफ टू मी, व्हाई द एग्जैक्ट बिहाइंड द माइंड बिहाइंड द माइंड सेट्स, जो रॉय जो वन्य रॉय का कैरेक्टर है, आपको पता है कि वनेरा का कैरेक्टर कौन, मतलब एक्चुअल में कौन है वो? अरुंधति रॉय कैरेक्टर इज वनेरा रॉय कैरेक्टर ओवर हियर। तो व्हाई जो लास्ट में जो आदर्श शर्मा का डायलॉग है, आई डोंट केयर, इट वाज एक्चुअली सेड बाय अरुंधति बिकॉज ऑफ समथिंग एल्स, उसको हाँ उसको बोला गया था शी सपोर्टिंग मेनी सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स एंड ऑल ऑफ दैट, सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स, बहुत ज़्यादा गहरा विषय है और ये छोटा सा रिव्यू मैं पूरा ख़त्म नहीं कर पाऊँगा, इसको समा नहीं पाएगा। तो मेरे हिसाब से मुझे बहुत ज़्यादा लॉपसाइडेड लगा ऑल इन ऑल, आई वुड से इट इज़ अ 2 out of 5 स्टार्स। मुझे ना एक्चुअली इसके ऊपर ना ये अच्छा या बुरा बोलना थोड़ा अलग होगा, क्योंकि पिक्चर एकदम अलग हटके है। जैसे अभी कश्मीर फाइल्स आई थी उसमें जो दिखाया था जो आतंक, वो इससे इसमें उससे कहीं गुना ज़्यादा है। मतलब एक कौम है जो आदमियों को इंसान नहीं समझती, मतलब जानवर बोलना भी गलत होगा, जानवर से भी बदतर लोगों को दिखाया है इस पिक्चर में, तो वो एकदम बोलते ना दिल दहलाने वाला है। अभी वो सबको पसंद आएगा कि नहीं, इसके लिए ऐसे दर्शक भी होने चाहिए जिनको ये पिक्चर समझ में आए एक्चुअली। मैम ये जो नक्सलवाद जो विचारधारा है जो एक्सट्रीमिज्म है, उस वक्त आप क्या कहेंगे कहाँ से वो पनपा है और कितना खतरनाक है हमारे देश में, इसके बारे में आप पर्सनल आपकी राय कुछ बताना चाहेंगे? मुझे ऐसा लगता है उनको जानवर कहना भी गलत होगा, क्योंकि जानवर में भी कहीं ना कहीं बोलते हैं ना मोह माया होती है, वो बच्चों को नहीं मारते,
लेकिन ये जो नक्सलवाद है ना वो तो मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लिमिट के बाहर है, जो कि देश के लिए नहीं किसी भी चीज़ के लिए अच्छा नहीं है। ये चीज़ को तो ख़त्म होना चाहिए। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई ज़्यादा बस्तर टाइप की कोई फिल्म आई है, लेकिन आतंक तो आतंक है ना, चाहे वो फिर कोई भी इसमें हो, लेकिन इसमें तो एक्सट्रीम में दिखाया है आतंक, यानी आदमी को मारने के बाद उसको टुकड़े टुकड़े कट के इंजॉय करते हैं वो लोग, ये जानवर भी नहीं करते, मतलब जानवर से भी बदतर लोग हैं एक्चुअली। और नक्सलवादी तो हमेशा से देश के लिए खतरनाक मतलब रहे हैं, अभी भी उन्होंने अपने नेताओं को भी तो मारा है ना एक दो को, तो वो जो आता नक्सलवादी होते हैं वो तो डेंजरस है ही, वो कौम तो ख़त्म होनी ही चाहिए क्योंकि उनमें डर है ही नहीं। अगर पॉलिटिक्स की बात की जाए, अलग अलग आइडियोलॉजीज होती हैं, चाहे वो राइट विंग हो लेफ्ट विंग हो, इस फिल्म के अंदर लेफ्ट इकोसिस्टम के बारे में बताने की कोशिश की गई है। हाँ, तो कहीं ना कहीं क्या ये फिल्म राइट विंग के आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल सपोर्टर्स हैं, उनको सपोर्ट करेगी? वो एक्चुअली ये सब पिक्चरें बनी इसलिए रही हैं क्योंकि इलेक्शन आ रहा है, इसीलिए ये सब पिक्चरें सपोर्ट के लिए बन रही है। लेकिन सच्ची बात ये है कि आज के टाइम में पैसा सब कुछ हो गया है, पैसे से कुछ भी किया जा सकता है, पैसा और पावर, उसके लिए कोई कितने भी हद तक गिरने को तैयार है और कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन आखिर में चाहे मतलब वो बहुत कम लोग होते हैं लेकिन वो लोग जीतते हैं, अच्छे लोग बहुत कम होते हैं, उनके सपोर्ट में भी नहीं होते हैं, लेकिन आखिर में जीत सच्चाई की होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वक्त लगेगा जो भी है, लेकिन वो सामने आएगा। और मतलब जितने भी आर्टिस्ट हैं ना, ऐसा नहीं लगा कि वो लोग एक्टिंग कर रहे हैं, वो एकदम नेचुरल लगे। तो एक्टिंग तो सबकी अच्छी है, डायरेक्शन अच्छा है, जो मार रहे तो लगता है रियल में मारा है, टुकड़े टुकड़े किए तो रियल लगता है, देख के मतलब देखने को नहीं होता है। तो ओवरऑल पिक्चर अच्छी बनाई है, लेकिन उसके दर्शक कैसे उसको लेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, वो डिपेंड करता है। ये फिल्म एक इम्पॉर्टेंट फिल्म है, बहुत डिस्टर्बिंग फिल्म है, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट फिल्म है क्योंकि ये नक्सल प्रॉब्लम्स पे इस पर कॉन्सेंट्रेट किया हुआ है, और इसकी जानकारी हमको होनी चाहिए। हर जो आदमी दूसरे शहर में रहता है उनको मालूम होना चाहिए कि इंडिया का एक हिस्सा है जो बहुत डिस्टर्ब्ड है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, और यहाँ पे लोगों पे किस तरह से अत्याचार होते हैं। हमने यहाँ पे 15,000 जवान खोए हैं, और ये बहुत बहुत क्या बोलूँ आपको, डिस्टर्बिंग के अलावा मेरे दिमाग में। हम काफ़ी टाइम से नक्सलवाद के ऊपर सुनते आए हैं, और पर्सनल आप अगर आपका कोई ओपिनियन हो इस नक्सलवाद को लेकर, क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आज भी ऐसा तबका है सपोर्ट कर रहा है नक्सलवाद जैसी चीज़ों को। देखो, मेरा पर्सनल व्यू मैटर नहीं करता इस चीज़ पे, लेकिन ये जो डायरेक्टर है सुदीप्तो सेन और ये जो प्रोड्यूसर है विपुल शाह, उन्होंने इस सब्जेक्ट पे बहुत विचार किया है, बहुत रिसर्च किया है, तो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो काफ़ी हद तक ठीक है। बट बाकी आई वोंट बी एबल टू कमेंट वेदर दे आर 100% करेक्ट, बिकॉज आई रियली डोंट नो, बट दे मेड इट फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ व्यू कि वी शुड बी अवेयर कि देर इज़ अ डिस्टर्ब प्लेस लाइक बस्तर इन इंडिया, एंड पीपल सिटिंग इन बॉम्बे दिल्ली एंड अदर प्लेसेस चेन्नई बेंगलोर मे नॉट नो अबाउट इट, बट इस प्रॉब्लम के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर जियो पॉलिटिक्स हो या फिर हमारे इंटरनल जो पॉलिटिक्स होती हैं उसके मुद्दे भी कुछ कहीं ना कहीं हिंट करके दिखाए गए हैं, वो सब देखना कितना एंगेजिंग आपको लग रहा है एज अ फिल्म? मैं एज अ फिल्म इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि तीन चार पॉइंट ऑफ व्यूज रखे जा रहे हैं, एक जगह कोर्ट केस चालू है, एक जगह एनजीओज और ह्यूमन राइट्स वाले इस प्रॉब्लम के बारे में बोल रहे हैं, एट द सेम टाइम रियलिटी ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लेकिन ये करेक्ट है कि नहीं, उस पॉइंट पे मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे आई एम नॉट इन द मिडल ऑफ इट, आई एम जस्ट अ व्यूअर, मैं सिर्फ आपको ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू में। यानी एक एंगेजिंग फिल्म है, अगर लोग जो देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। कौन सा ऐसा तबका है जो इस फिल्म को ज़्यादा इंजॉय कर सकता है, आपके पर्सनल या फिर जैसे मैंने कहा हम लोग देखो हार्ड हिटिंग डॉक्यूमेंट्रीज को पसंद करते हैं, आजकल नेटफ्लिक्स हो या कोई भी OTT प्लेटफॉर्म्स पे जब भी कोई ऐसा डिस्टर्बिंग या कुछ भी टॉपिक निकलता है,
हम उसको बहुत रुचि लेके देखते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप बस्तर को देखेंगे तो आपको शायद उसमें रुचि आएगी. बट आई डोंट नो, आई मीन देर इज़ लाइक आई सेड थोड़ा ज़्यादा स्लांट तो है. अभी आप किस तरह स्लांट है वो मैं नहीं बता सकती. लास्टली हाउ मेनी स्टार्स आउट ऑफ 5? 3.5. बस्तर एक केरला स्टोरीज़ के बाद विपुल अमृतलाल साहब की फिल्म एक बहुत बड़ी, मतलब ऐसे मानी जाती थी कि हाँ ये चलेगी खूब फिल्म, तो उसी एजेंडा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बस्तर भी बनाई हुई है, जहाँ पे उन्होंने नक्सल्स की बात की है. नक्सल्स एक बहुत बड़ा टॉपिक है हमारे देश का, बट उसको किस तरह से दिखाया गया है, नक्सलिज्म को टेररिज्म जैसा दिखाया गया, विच आई डिडंट लाइक एट ऑल. कई चीज़ें हैं जिसमें हमको डिस्क्रिमिनेट करना पता होना चाहिए कि नक्सलिज्म और टेररिज्म में फ़र्क है. तो वो शायद उस पर उनको ध्यान देना चाहिए था. काफ़ी ज़्यादा उसमें सीन्स हैं जो आप देख भी नहीं सकते, तो ऐसी चीज़ें हैं. तो फिल्म के अंदर जो टेररिज्म होता है और नक्सलिज्म होता है, दोनों को एक ही चश्मे से दिखाने की कोशिश की गई. बिल्कुल बिल्कुल. जो अलग आपको लगता है, आप फिल्म के अंदर ये बातें आप बता सकते हैं, जो एक एंटरटेनमेंट फैक्टर होता है क्या वो फिल्म के अंदर आपको नजर आई? नहीं, मुझे वो एंटरटेनमेंट फैक्टर तो कहीं से भी नहीं नज़र आया. जैसे इन्होंने हिलेला जग जोर दुनिया पे बनाया है, तो काफ़ी पुराना गाना है जो कम्युनिज्म के लोग गाते हैं, जैसे कि जनता की चले पलटनिया हिलेला जग जोर दुनिया, बहुत पुराना नक्सलिज्म सॉन्ग है, आई हैव टू से कम्युनिज्म सॉन्ग है, जो बिहार के, अभी मुझे उनका नाम नहीं आ रहा, उन्होंने गाया. तो इन्होंने उसको काफ़ी बढ़ा चढ़ा के दिखाया है गाने को. वो एक गाना अच्छा है, बट इन्होंने किस चश्मे से दिखाया है वो भी हमको देखना पड़ेगा फिल्म में. आपको लगता है कि जो फिल्म बनाई गई है, फिल्म बनाने के पीछे एक पॉलिटिकल मोटिव भी है, तो इसलिए फिल्म बनाई गई है? ये मुझे नहीं पता, ये इसके बारे में नहीं बोल सकती, ये तो डायरेक्टर ही बता सकते हैं. बट फिल्म ज़रूर किसी ना किसी एजेंडा को लेके बनाई गई, या तो उनको मास ऑडियंस चाहिए कि अब देश जिस तरफ जो भी है. You taking a lot of interest about all the current affairs and geopolitics, I think. I think it's not my personal review, so I won't talk about that. It's a public review and I'll let that be. Okay, lastly, how many stars out of 5? 2, not more than 2. 2 is like I'm giving too much for 2. Thank you so much.